अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक बात ही बच्चा के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। अपने चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों को वेलकम करता हूँ। जी दोस्तों, को पता ही है कि मेडिसिन और मेडिकल के वाले से रिव्यू करता हूँ। आज बताता चलूँ कि मेडिसिन और मेडिकल वाले ऐसी अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मेडिसिन और मेडिकल के वाले से रिव्यू करता हूँ। आज रिव्यू करूँगा एम के डी एस टैबलेट के वाले से। आप देख सकते हैं जी, लीवोनार जेस्ट्रॉल, इसमें फार्मूला होता है। फार्मूलेशन के हिसाब से 1.5 मिलीग्राम इसमें शामिल किया गया है। एक ही टैबलेट होती है, चाबी वाली इसे टैबलेट भी कहते हैं। ज़ाफा कंपनी की टैबलेट है, सिंगल डोज होती है और इसकी कीमत होती है 19 से 20 रुपये, 19.56 पैसे। बहुत ही अच्छी टैबलेट है, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। आपको बताता चलूँ, ज़ाफा कंपनी ने ये बनाई है, सिंगल डोज टैबलेट होती है जी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। मैं फ़ायदे बताने से पहले, इसके फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी जो यूज़र्स हैं, इसके बारे से बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशनल मेडिसिन और मेडिकल के वाले से वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उसे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों तक शेयर किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपको उसका पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। ये सिंगल डोज टैबलेट है जी, ये इसकी टैबलेट है एम किट जी। ये एम किट टैबलेट सिंगल डोज होती है और एक ही गोली होती है इसमें। तो ये एम किट जो है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ये माने हमल टैबलेट है और ये एमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है। सिंगल डोज आप पढ़ सकते हैं, औरल एमरजेंसी में ये इस्तेमाल की जाती है। कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका अगर आपको बताता चलूँ, शादीशुदा अफराद के लिए ये टैबलेट है, जो हम बिस्तरी के बाद चाहते हैं कि हमल ना हो, तो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद इस टैबलेट को इस्तेमाल करवाएँ तो आपको हमल होने के ख़तरात से आप बच सकते हैं। और तकरीबन अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल करा दें तो 90% 98-99% ये आपको हमल ना होने का ये परसेंटेज नंबर हमल नहीं होगा। और अगर आप 24 घंटे के बाद खिलाएंगे तो कोशिश करें कि पहले खिला दें 24 घंटे के बाद, 80% तक चांसेस होते हैं। और उसके बाद 72 घंटे तक अगर आप खिला दें तो 40-50% चांस होते हैं कि हमल नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है, माने हमल है और एमरजेंसी में ये इस्तेमाल की जाती है। लोग इसको पहले भी इस्तेमाल खिला कर बाद में हम इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमल होने का खदशा ही ना रहे। तो ये इस तरह इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उससे बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एमरजेंसी में और जायज़ तरीके से ही इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक और कंपनी की हदायत के मुताबिक ये 1 माह में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि इसकी 2 ही गोलियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। 2 डोज से ज़्यादा 1 माह में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में आपको बताते चलें कि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसमें उल्टियाँ वगैरह आ सकती हैं, डायरिया हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, ब्लीडिंग होने का ख़दशा हो सकता है। ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये मशवरा है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप हमल नहीं चाहते अभी, तो 1 माह में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से, लेडी डॉक्टर से मशवरा करें, जो लेडीज़ हैं वो लेडी डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, खाएं। तो ये औरतों के लिए होती हैं, औरतों के खाने के लिए होती हैं, और ये मर्द मत खाएं। तो ये माने हमल जो एमरजेंसी पिल्स हैं वो हैं। तो इस्तेमाल से पहले आप इसके अंदर जो पर्चा है उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको भी तफसीलात लिखी होती है। तो और मज़ीद मालूमात मुझसे पूछनी हो तो मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी टैबलेट है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जायज़ और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।